पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को इस स्थान पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उन्नाव में एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती के एक और आरोपी को ढेर कर दिया। थाना अचलगंज के बेथर की यही वो जगह है जहां सोमवार तड़के मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि उसे 1,00,000 के इनामी आरोपी अनुज प्रताप सिंह की मौजूदगी के सुराग मिले थे। जब उसे घेरा गया तो अनुज ने फायरिंग कर दी। इसके बाद एसटीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनुज के सिर में गोली लगी। उन्नाव जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह बदमाश 1,00,000 का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। सुल्तानपुर डकैती की पुलिस ने जो सीसीटीवी तस्वीरें जारी की थी उसमें एक डकैत के अनुज प्रताप सिंह होने का दावा किया गया था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी, तभी से आरोपी अनुज फरार था। इससे पहले एसटीएफ ने जौनपुर के रहने वाले आरोपी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर किया था। इस पर जबरदस्त सियासत हो रही थी। अखिलेश यादव ने न सिर्फ मारे गए डकैती के आरोपी के घर मातमपुरसी के लिए अपने नेताओं को भेजा था, बल्कि मंगेश के माता पिता से मिलकर इंसाफ की लड़ाई में उन्हें साथ देने का यकीन भी दिलाया था। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। अब आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद उसके परिजन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर रहे। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वहीं आरोपी अनुज की इकलौती बहन पूछ रही है कि आरोपी को सजा सुनाना जब कोर्ट का काम है तो फिर पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। एनकाउंटर पर राजनीति पहले से गर्म थी, अब फिर आर पार का माहौल बन चुका है। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो नहीं खुल रही है, जबान बंद है। उनकी सरकार क्या करती थी? वो तो सांसद बना देते थे, विधायक बना देते थे, सदन में पहुंचा देते थे, यही ना समाजवादी पार्टी रही। अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए ये हत्याएं की जा रही हैं, ऐसी हमारी आशंका है, आरोप है। इस बीच अखिलेश यादव ने ताजा एनकाउंटर के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर फिर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्ज एनकाउंटर ना इंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। इस बीच मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर भेदभाव के आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेन नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.